हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए हुए सक्षमता परीक्षा TRE 2.0 की तैयारी करते हैं। एक नंबर से देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए। ए जमराज, बी प्रमात्मा, सी सुहाद्र या डी स्वास्थ्य। इसका आंसर डी है, स्वास्थ्य। आगे, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम या डी निजवाचक सर्वनाम। तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। आगे, केवल दूध पर जीवित रहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, उपयुक्त शब्द है तो ए हिरी, बी पयोहारी, सी पालनहारी, डी फलहारी। तो दो तो ऐसी सी या डी छट गए, तो बाकी के बच गए दो, तो दो में से पयोहारी बी आंसर इसका है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध कारक है? ए गुफा में रहता है, बी श्याम की पुस्तक है, सी बहुत समय बाद मिला, डी गिलास मेज पर है। इसका आंसर बी है, श्याम की पुस्तक संबंध कारक है। आगे, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ए आलोक ने जल्द भोजन किया, बी मैंने एक कमजोर व्यक्ति देखा, सी गीता ने एक पुस्तक बाजार से खरीदी, डी जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इसका आंसर डी है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। आगे, विषाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बी जोड़ साद, बी वी जोड़ साद या सी वी जोड़ साद या डी वी जोड़ अवसाद। इसका आंसर बी है, वी जोड़ साद। आगे, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? ए चंद्रमौली, बी लंबोदर, सी मकरध्वज, डी सप्ताह। इसमें डी है, सप्ताह। आगे, वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम या डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर सी है, निजवाचक सर्वनाम। आगे, बनारसी पान बहुत प्रसिद्ध है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? ए परिणामवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण या सी सर्वनामिक विशेषण या डी गुणवाचक विशेषण। इसका आंसर डी है, गुणवाचक विशेषण। आगे, पंद्रह दिनों का समय वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ए मासिक, बी वार्षिक, सी साप्ताहिक, डी पाक्षिक। इसका आंसर डी है, पाक्षिक। आगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें से चुनना है कौन सा तत्सव शब्द है? गोधूल, अग्नि, अक्षी या आम। जी ए गोधूल, बी अग्नि, सी अक्षी या डी आम। तो इसका आंसर डी है, आम। आगे, चिरंतन शब्द के लिए उपयुक्त विलोम क्या है? चिरंतन शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ए पुरातन, बी नश्वर, सी संकोचन या डी समापन। उपयुक्त विलोम क्या है बताइए? चिरंतन शब्द के लिए उपयुक्त विलोम क्या है? ए पुरातन, बी नश्वर, सी संकोचन, डी समापन। तो इसका आंसर बी है, नश्वर। आगे, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ए गुरुमुखी, बी अरबी, सी देवनागरी और डी रोमन। तो इसका आंसर सी है, देवनागरी। इसमें दे नागरी लिखा गया है जो कि देवनागरी होगा।
देवनागरी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए बहती गंगा के प्रवाह के साथ तैरना, बी धारा के विपरीत आचरण करना, या सी अवसर का लाभ उठाना, या डी किसी पर भी सहज ही विश्वास करना। इसका आंसर है सी अवसर का लाभ उठाना। आगे गागर में सागर भरना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यहाँ गागर में सागर भरना, बताइए गागर में सागर भरना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ए घरे में पानी भर देना, बी मूर्ख व्यक्ति की बात मूर्खी समझता है, या सी थोड़े में बहुत कुछ कह देना, या डी झूठा दिखावा करना। तो इसका आंसर है सी थोड़े में बहुत कुछ कर देना। यहाँ आगे उद्यान चिन्ह, उद्धरण चिन्ह है, उद्यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है बताना है। जी हाँ बताइए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है आश्चर्य प्रकट करने हेतु, बी संबोधित करने हेतु, सी विवरण या उदाहरण ज्यों का त्यों देने हेतु, या डी वाक्य पूरा होने पर करने हेतु। इसका आंसर सी है विवरण या उदाहरण ज्यों का त्यों देने हेतु। जी हाँ आगे अजातशत्रु नाटक की रचना निम्नलिखित में से किस नाटककार द्वारा की गई। ए जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी उपेंद्र नाथ अश्क, या डी भरुतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर ए है जयशंकर प्रसाद। आगे निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द है। ए सावन, बी कान, सी रस्सी, डी गॉड। तो इसका आंसर डी है गॉड। आगे काठ की उल्लू होना, यानी काठ का उल्लू होना की है, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होगा ए धूर्त होना, बी बहुत बड़ा मूर्ख होना, या सी मेहनती होना, या डी चोर होना। तो इसका आंसर बी है बहुत बड़ा मूर्ख होना। आगे पूछ की रात कहानी किसने लिखी। ए जयशंकर प्रसाद, बी फणीश्वर आथरेनु, सी मुंशी प्रेमचंद, या डी महादेव वर्मा। तो इसका आंसर सी है मुंशी प्रेमचंद। आगे आकाश का विपार्थक शब्द क्या होगा। ए पृथ्वी, बी पताल, सी सागर, डी प्रकाश। इसका आंसर बी है पताल। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।